हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल एक्सट्रीम टेक में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ मीयूआई थीम ऑफ द वीक। तो जो एपिसोड है, हर हफ्ते आता है, मैं आपके लिए चुन के एक ऐसी थीम लाता हूँ जो पूरे हफ्ते में हमें थीम स्टोर के अंदर आती है और वो काफी अच्छी थीम होती है। तो आइए जानते हैं वीडियो में कि आज की कौन सी है वो थीम। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की थीम जो है वो बहुत ही बढ़िया थीम है। और ये जो थीम है, ये जिसकी लॉक स्क्रीन है, ये ज्यादा अच्छी है इसकी होम स्क्रीन से। इसके जो एप्लीकेशंस के आइकन्स के अंदर जो मतलब स्किन होती है वो डिफॉल्ट स्किन है, पर बाकी सारी चीज़ें अलग हैं और चेंज कर दी गई हैं। और आइकन पैक इसका काफ़ी अच्छा है, मतलब मेन चीज़ इसका आइकन पैक और लॉक स्क्रीन ही है इस थीम के अंदर। तो फ्रेंड्स, लिंक छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाइए थीम को डाउनलोड करिए। उसके बाद आपको लिया अपना थीम स्टोर। यहाँ से जाने के बाद आप यहाँ पे इस वाले क्लिक आइकन पे क्लिक कर दीजिए, ये वाले पे। यहाँ पे जब आप क्लिक कर देंगे, आपके सामने ऑप्शन आएगा थीम्स का, तो आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। और उसके बाद आपको मिलेगी एक थीम जिसका नाम होगा फेदर टीटी। तो इस थीम को आप यहाँ से डाउनलोड करने के बाद आप इस थीम को अप्लाई करिए और इन्जॉय करिए। देख लेते हैं हम इस थीम में क्या देखने को मिल जाता है, जिसके लिए मैंने इसको मीयूआई थीम ऑफ द वीक रखा है। और फ्रेंड्स, अगर अब तक आप वीडियो इतनी देख चुके हैं और आपको थोड़ी बहुत वीडियो अच्छी लग रही है, तो यार सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं एक नई वीडियो अपलोड करूँ। करते हैं इस थीम को अप्लाई और देख लेते हैं हमें इसमें क्या देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, थीम हो रही है अप्लाई और हो गई। तो फ्रेंड्स, बात कर लें इसके मेन चीज़ जो हमारे मतलब फ़ोन खोलते हैं हमें दिखती है, वॉलपेपर, आइकन पैक, स्टेटस बार एंड एप्लीकेशन स्किन्स। तो सबसे पहली चीज़ हमें देखने को मिलती है इसमें आइकन पैक। तो आइकन पैक आप देख सकते होंगे बहुत ही बढ़िया लग रहा है। मैं इस आइकन पैक को अपना डिफॉल्ट आइकन पैक के मतलब तरह यूज़ कर रहा हूँ। और इसकी जो शेडो दिखती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये जो आइकन पैक है, मेरे को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा आइकन पैक है, बहुत बेटर आइकन पैक है। वॉलपेपर पे पर्पल बैकग्राउंड है और लाइट पर्पल और डार्क पर्पल का मिक्सचर है, जो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत अट्रैक्टिव वॉलपेपर है। ये थीम मेरे को बहुत अच्छी लगी। उसके बाद फ्रेंड्स, मेन चीज़ इसके अगली चीज़ आती है स्टेटस बार। तो वो कुछ हमें इस टाइप का देखने को मिल जाता है, जो पिंक कलर का है। फ्रेंड्स, जो इसकी जो थीम है, उसका जो ये स्टेटस बार है, ये पिंक कलर का है। ये जो मेरे को बेकार चीज़ लगी इसमें, क्योंकि पहली बार मेरे को स्टेटस बार बेकार लगा थीम का। बस ग्रिड साइज मेरे को बहुत अच्छा लगा, जो कि 5x3 का है। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा ग्रिड साइज पर। जो हमारी जो स्टेटस बार की थीम है वो बेकार लगी। स्टेटस बार का वेदर फॉन्ट काफ़ी अच्छा है, पर जो नॉर्मल फॉन्ट है वो तो अपना फ़ोन का ही है ना भाई। तो भाई देख लेते हैं, जो पिंक कलर का है, जो मतलब थीम पिंक कलर की है इसमें, वो अगर आप लड़की हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको अच्छी लगेगी। और बाकी बॉयज़ के लिए तो फिर जिनको अच्छा लगता है तो अच्छा लगता है। मैं मतलब मेरे को स्टेटस बार इतना पसंद नहीं आया। इसका ग्रेट साइज स्टेटस बार का और फॉन्ट साइज फॉन्ट बहुत अच्छा है, पर जो इसका कलर है वो मेरे को पसंद नहीं आया। तो एक चीज़ है, डेवलपर को ध्यान रखना चाहिए था कि दोनों का मिक्सचर मतलब पर्पल या पिंक दोनों मिलाकर देते, तब भी काफ़ी अच्छा लगता है ये थीम। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी थीम स्टेटस बार, आइकन पैक, वॉलपेपर। अब बात कर ले इसके अंदर की स्किन्स के बारे में। तो मैंने आपको बताया ये डिफॉल्ट है, फिर भी मैं आपको कंफर्मेशन कर दिखा देता हूँ। सेटिंग की बात कर ले तो आप देख सकते हैं, जो डिफॉल्ट सेटिंग होती है वैसी की वैसी ही है ये। और जो मेन चीज़ है, हमें लॉक स्क्रीन देखने को मिल जाती है। पहले आगे हम चेकआउट कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ से डायलर में अगर चले जाएँ तो डायलर भी आपको इसमें डिफॉल्ट वाला देखने को मिल जाता है। अगर मैसेजिंग की बात कर ले वो भी डिफॉल्ट है। बात कर ले व्हाट्सएप की तो वो भी डिफ़ॉल्ट है। तो आपको इसमें मैं बताया जैसे आपको इसमें प्रीटी मच सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट ही देखने को मिल जाती हैं, कोई भी चेंज इसमें आपको नहीं किया गया है। वॉल आपके स्टेटस बार की जो आइकन हैं वो इसमें चेंज करे गए हैं, जो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं देखने में। और जैसे आप देख सकते हैं, जो बैटरी का है वो भी अलग लग रहा है, मेरे को बहुत अच्छा लगा बैटरी का भी आइकन जो इसमें है, जो हमारे स्टेटस बार के आइकन में है। और रिसेंट ऐप्स की बात करें तो भी आपने देख लिया, अभी बिल्कुल ही डिफॉल्ट वाला है, मतलब इसमें सब कुछ डिफॉल्ट है। आपको इसमें सारा ध्यान जो है वो लॉक स्क्रीन, आइकन पैक और वॉलपेपर पे दिया गया है। ये देख सकते हैं आपको ये जो क्लॉक है, ये आपको इसमें पिंक कलर की देखने को मिल जाती है, जो काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। सबसे मतलब इसमें एक ही चीज़ है जो हमें कलर देखने को मिलती है, जो पिंक कलर की है, जी बहुत अच्छी बात है। डेवलपर को ये ध्यान रखा है, मुझे लगता है ये थीम वैसे लड़कियों के लिए है, पर क्या पता, मेरे को बहुत अच्छी लगी। पर ये इसकी अगर हम कैलकुलेटर चेक कर ले तो वह भी इसमें नॉर्मल देखने को मिलता है। रिकॉर्डर चेक करें तो भी हमें इसमें नॉर्मल देखने को मिल जाता है। फीडबैक वाला तो भाई नॉर्मल ही होगा, ये भी हमें कंपास में नॉर्मल है। फ्रेंड्स, आपको सिर्फ इसमें क्लॉक ही कलर देखने को मिलती है, डेकोरेटिव देखने को मिल जाती है। बात करें इसकी लॉक स्क्रीन की, जो मेन चीज़ है, तो यहाँ से हम लॉक स्क्रीन में चले जाते हैं कुछ इस तरह से। और आप देख सकते हैं जैसे हमने लॉक स्क्रीन खोली, जादू हो गया है। आप इसका जब जो फॉन्ट स्टाइल देख सकते होंगे, जो क्लॉक वाला है वो बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को देखने में। इसकी लॉक स्क्रीन में काफ़ी पसंद आई है। और आप देख सकते हैं इसके पार्टिकल इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। मेन चीज़ पहले हम इसकी क्लॉक की है बात कर लेते हैं। इसका फॉन्ट चेंज है और अजीब तरह से लिखा गया है ये क्लॉक का जो है, ये बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को देखने में। उसके बाद इसका जो नीचे हमने मतलब डेट टाइम और वो सब लिखा हुआ है, डे डेट टाइम,
डे डेट और मंथ, तो वो जो है वो खुला खुला करके लिखा गया, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। सेकंड चीज़ की अगर हम बात करें तो आपको इसमें म्यूजिक दबाने के लिए आपको बस यहाँ से म्यूजिक वाले आइकन पर यहाँ से क्लिक कर देना होगा और आपका जो लॉक स्क्रीन है वो म्यूजिक वाले पेज पे आ जाएगी। यहाँ से आप लिरिसिस, कास्ट, करंट, नेक्स्ट सब कुछ आप जैसे कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब फुल कंट्रोल आपका लॉक स्क्रीन पे होगा म्यूजिक का। सेकंड चीज़ आपको इसमें वेदर फुल स्क्रीन में देखने को मिलता है, जिसमें कभी कोई थीम में आया ही नहीं है शायद से, ये पहली थीम है जिसमें अगर हम वेदर इस पर क्लिक करेंगे तो आपको देख सकते हैं जो वेदर है आईफोन स्टाइल में हमें फुल स्क्रीन पर देखने को मिलता है, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप खुद ही देख पा रहे होंगे जो वेदर फुल स्क्रीन पर आ रहा है, जो हमारे इस वाले वेदर ऐप से आ रहा है, जी वाले वेदर ऐप से जो वेदर आ रहा है वो सेम टू सेम हमें यहाँ पे लॉक स्क्रीन पे देखने को मिल जाता है, वो भी हमें फुल स्क्रीन फॉर्मेट में देखने को मिलता है, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। बात करें अगली चीज़ की तो सेटिंग अगर हम खोलेंगे तो हमारी जो फ़ोन की डिफॉल्ट सेटिंग है वो खुल जाएगी, इसमें आप अपनी सेटिंग भी कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद अब ये पार्टिकल इफेक्ट्स हैं, ये भी काफ़ी अच्छे लगते हैं, वॉलपेपर चेंज करेंगे तो और वॉलपेपर के हिसाब से पार्टिकल इफेक्ट्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। ये जो है आप इससे अपना डायलर और यहाँ से अपना मैसेज ऐप जो है वो खोल सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी बात है। इसके अगर ऊपर स्वाइप करेंगे तो आप यहाँ से पिन डाल के अपना फ़ोन जो है वो लॉक कर सकते हैं। थीम की सेटिंग की बात कर ले तो यहाँ से हम जाएंगे अगर कस्टमाइज थीम में लॉक स्क्रीन में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कस्टमाइज का ऑप्शन नहीं है, आई एम जस्ट जोकिंग, क्योंकि नहीं है तो नहीं है बस छुट्टी। तो फ्रेंड्स यही थी आज की थीम और वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो यार लाइक कर दो वीडियो को, प्लीज़ दबा देना लाइक बटन अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़, और यार चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो, क्योंकि मैं MIUI गेमिंग टेक्नोलॉजी वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। बस यार दबा दो सब्सक्राइब बटन को, ग्रे कर दो रेड से, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं मेरे को बहुत अच्छा लगता है, किसी भी यूट्यूबर को आप सब्सक्राइब करते हैं तो उन्हें और मतलब पावर आती है कि आपके लिए और ऐसे ऐसी मोटिवेशन मिलती है। यार दबा दो सब्सक्राइब वाले बटन को अगर आपने अभी तक नहीं दबाया है तो, और शायद में आपको एक जब सब्सक्राइब का बटन दबा देंगे आपको एक दिखेगा बेल आइकन, उससे भी दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब मैं एक नई वीडियो अपलोड करूँ, तो बस सब्सक्राइब कर देना ठीक है। मैं चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे नई साइड से वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।